अस्सलाम वालेकुम रिसर्चर्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि SPSS V-21 को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसको क्रैक फाइल में जाके क्रैक कैसे करना है। तो सबसे पहले हम SPSS स्टेटिस्टिक्स V-21 को सबसे पहले हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है कि ईज़िली जो है ये ओपन हो सके या हम इसको ईज़िली इंस्टॉल कर सकें। तो जैसे ये इंस्टॉल होता है तो ये कुछ परमिशंस आएंगी, उनको आपने अलाउ करना है और किन को नहीं करना, किन को एक्सेप्ट करना है। लाइसेंस्ड, सबसे पहले आपको इसको नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट करना है कि सिंगल यूज़र है। ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट है, तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आए एक्सेप्ट क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे यूज़र नेम मांगेगा, यूज़र नेम आप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये लैंग्वेज आप ओके कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कर दी जाइए, रेडी टू इंस्टॉल प्रोग्राम। ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है SPSS की, ये डाउनलोडिंग हो रही है, ओके कर दीजिए। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि प्रोडक्ट ऑथराइजेशन को हमने नहीं देखना। हम SPSS को अगेन ओपन करते हैं क्योंकि इंस्टॉल हो चुके हैं हमारी ड्राइव में। अच्छा, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका प्रोसेसर रेडी भी है, आपका जो प्रोसेसर है वो इसको रन कर पाएगा। तो यहाँ से इसको ओके कर लीजिए। आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है कि प्रोसेसर इज़ अनअवेलेबल, मतलब कि आपने अभी इसको क्रैक ही नहीं किया। सबसे पहले इसको क्रैक करना पड़ेगा, तो तब जाके आपका जो ये सॉफ्टवेयर है ये आपके लिए जो है रेडी होगा कि आप इसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले आपको इसको क्रैक करना है। क्रैक के लिए सबसे पहले आप क्रैक फाइल में चले जाएंगे। जैसे ही क्रैक फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे दो फाइल्स आपको नज़र आएंगी। इन दोनों फाइल्स को आपने क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है और कॉपी कर लेना है, कट नहीं करना, कॉपी करना है। उसके बाद आप अपनी ड्राइव में चले जाएँ और ड्राइव के सी फोल्डर में ज़्यादातर हम प्रोग्राम्स को करते हैं, तो प्रोग्राम फाइल को आपने क्लिक करना है। देन IBM को आप क्लिक करेंगे, SPSS को आप ओपन करते जाएंगे, देन स्टेटिस्टिक्स और वर्जन 21 है तो आप इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी आपको फाइल्स नज़र आएंगी। यहाँ पे आपने क्या करना है कि डायरेक्टली आके यहाँ पर वो जो दो फाइल्स आपने सेलेक्ट की हुई थी उनको पेस्ट कर देना है, ठीक। तो जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप रीप्लेस करना चाहते हैं कि नहीं। कंटिन्यू करेंगे और अगेन कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर आपकी फ़ाइल क्रैक हो चुकी है, ठीक है। अब आप दोबारा जब SPSS को ओपन करते हैं तो ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, ठीक। यहाँ से ओके करिए। अच्छा, ये अब आपका SPSS सॉफ्टवेयर रेडी है। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा आ गया है कि प्रोसेसर इज़ रेडी, नाउ यू कैन ईजीली यूज़ द प्रोसेसर एज़ यू नीड एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। एंड इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगी कि आप SPSS पे न्यू शीट्स कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो इस तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और SPSS V-27 का जो है, सॉरी SPSS वर्जन 21 का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। SPSS वर्जन 21 का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जो है वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा तो इजीली आप इसको एक्सेस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।